भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था, उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया। और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहे, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर, और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ी को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए?